हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के अंतर्गत एक स्पेशल टेक्निक की, जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब मिडिल टर्म में प्रोडक्ट बड़ा हो और उनका डिफरेंस काफ़ी छोटा हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस टेक्निक के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है कि एनी पॉलीनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। दूसरा है, हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड डिफरेंस। मतलब हम इसमें ए और सी का प्रोडक्ट लेंगे और उनका हम डिफरेंस बनाएंगे। मतलब यहाँ पर ए और सी का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक निगेटिव क्वांटिटी होगी, ऐसा मान के चलेंगे, और प्रोडक्ट बड़ा होगा और डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए हमने इस टेक्निक का नाम रखा है लार्ज प्रोडक्ट स्मॉल डिफरेंस, LPSD। प्रोडक्ट बड़ा हो, LPSD लिखा मैंने शॉर्ट में। प्रोडक्ट बड़ा हो, डिफरेंस बहुत छोटा हो, ऐसी जगह पे हमें ये टेक्निक लगानी है। तो कंडीशन मैंने लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ AC इज लार्ज, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई लार्ज है, एंड द वैल्यू ऑफ B इज स्मॉल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड C इज नेगेटिव। ये टेक्निक तभी एप्लीकेबल होगी जब A और C का प्रोडक्ट कैसा हो, नेगेटिव हो। तो हमें इसके लिए एक और चीज़ है, प्रीवियस नॉलेज हमने दिखाया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हमें आपको इसके लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जानकारी होनी चाहिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का कैसे करते हैं ये पता होना जरूरी है। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो हम ये टेक्निक आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है, फैक्टराइज 26x² प्लस 3x माइनस 150। ये हमें फैक्टराइजेशन, तो पहला स्टेप जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, 155 की हम 36 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30 कैरी आया 3, 6 5 30 और 3 33 कैरी आया 3, 6 6 3 9 हो गया, फिर 2 6 2 5 13 कैरी आया 1, 2 5 13 हमारा 11 कैरी आया 1, 2 1 2 1 3 ऐड कर दीजिए, तो ये 4030 प्रोडक्ट आया। अब हमें 4030 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई तो 4030 और डिफरेंस जो है 3 के बराबर, तो ये काम थोड़ा सा कठिन पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, 4030 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो पहले हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2015 आएगा, 13 से काटेंगे 13 7 बचेगा और 70 35 65 और 6 बचेगा 13, फिर 5 से कट जाएंगे, फिर 30 बनेगा कटेगा यहाँ बन जाएगा। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया 2 13 5 31। अब हमें क्या करना है, इनमें से दो हमें पेयरिंग करनी है इस तरह से कि हमारा जो है नंबर का डिफरेंस कितना है 3। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे 4030 जो है कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स के पास लाई कर रहा है। 4030 जो है हम देखेंगे कि जैसे 60 का स्क्वायर हमारा होता है 3600 और 70 का स्क्वायर होता है 4900, इन्हीं के बीच में नंबर आता है। इसका मतलब जो भी नंबर हमें चाहिए होंगे वो 60 से 70 के बीच में आएंगे। ये हमने देख लिया, ये 4030 जो है ये इन दोनों लिमिट्स के बीच में है, तो हमें कंसंट्रेट करना है ऐसे नंबरों पे जो 60 से 70 के बीच होंगे। तो इस प्रोडक्ट में 60 से 70 के बीच में नंबर कैसे बन सकते हैं, जैसे हमने 13 5 65 लिया ये मान लीजिए, तो अगला नंबर कितना है 13 62, एक नंबर बन जाएगा हमारा 65 और एक नंबर क्या बन जाएगा 62। ऐसा करके हम डिफरेंस कितना बना लेंगे 3 का, तो बस अब आसानी से हमारा काम हो जाएगा, 26x² प्लस 3 अर्थ की जगह लेंगे 65x माइनस 62x माइनस 155। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ 13x कॉमन आएगा, अंदर आएगा 2x प्लस 5, यहाँ से 31 से कटेंगे ये दोनों नंबर्स, अंदर आएगा 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 पूरे में से कॉमन हो जाएगा, तो यह आएगा 13x माइनस 31। तो आपने देखा कितनी जल्दी से हमने पता लगा लिया कि डिफरेंस के नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। इस तरह से हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर वैसे अगर हम करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। स्क्वायर की टेक्निक से हमें यह पता चला है कि जो नंबर आने हैं, अगर डिफरेंस छोटा है तो वो नंबर स्क्वायर के पास में ही लाई करेगा, कहीं ना कहीं आसपास में ही नंबर लाई करेगा, तो उसी से आइडिया लगा के इनमें से पेयरिंग कर लेंगे। तो उम्मीद है ये टेक्निक आपको क्लियर हो गई होगी, और ऐसे आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये टेक्निक आसानी से लगा सकते हैं। अगर ये
आपको इसमें कोई लगाने में दिक्कत आए फिर भी तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।